चल पापा सॉरी ना। अरे सुनिए ना ससुर जी, ऐसा मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। वो घर का मामला है, बाहर जाके तमाशा करने की क्या जरूरत है? आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं आज तेरे बिल्कुल नहीं सुनूंगा माँ। अरे क्या, उसको देखिए जरा, उसकी तरफ कितना मासूम है मेरा बेटा। प्लीज ससुर जी मत कीजिए ऐसा, अच्छा नहीं लगता वो। सुन भाई, इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। देखिए मैं अगली बार गारंटी लूंगी उसकी, वो ऐसे बिल्कुल नहीं करेगा, प्लीज ना। अच्छा पहले खुद की गारंटी लो। मैंने कितनी बार बोला इंस्टाग्राम मत करो, बाथरूम में जा जाके टॉयलेट में जा जाके इंस्टाग्राम लाइव करती हो, और तुम मुझे गारंटी दोगे? पापा प्लीज सरब्रिज के सामने कुछ मत बोलिए। मेरे सामने कुछ नहीं चलेगा तेरा, चल। मम्मी सुनिए ना, यही चाहिए था ना तुझको? नहीं सुबह, चल मेरे साथ। अब तू इसी बाथरूम में बैठी रहेगी। ससुमा ससुमा, अब चुपचाप यहीं पे खड़ा रहे। पापा प्लीज मत कीजिए। और श्रेया के दादाजी, श्रेया के पापा, नमस्ते, आयो ना अंदर। आ गई तू अपने बिल से बाहर छुछुंदरी। जब भी सोसाइटी में कुछ हो जाता है आ जाती है दरवाजे के पास। मेरा घर है, मैं कहीं पर भी खड़ी रहूं, आपका क्या जाता है? जाता है मेरा, बहुत कुछ जाता है। अरे जाइए अपने बेटे को संभालिए पहले। लगता है बुढ़िया सुमित्रा के साथ लड़ रही है। ए तेरा पति गया ना फॉरेन, वहां पे जाके क्या क्या कर रहा है किसको पता? खबरदार जो मेरे पति के बारे में बोला तो। लगी ना मिर्ची, लगी ना। हाँ खुद के ऊपर जब जाता है तब कैसे आता है, दूसरों को बोलती है। ललिता क्या कर रही हो? वहां से छुप छुप के मत देखो, अंदर चले जाओ। ससुमा आ रहा है मजा अंदर। ससुमा प्लीज खोल दीजिए ना इसको। जाओ मैंने खोलती। मैंने क्या गलती की आप मुझे बताइए ना। बैठ बैठ वहीं पे बैठ, बहुत मजे लेती है सबके, आज मैं तेरे लेती हूँ। शर्वरी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमारा ही सिक्का खोटा है तो क्या करे। नहीं आ रहे। ससमा बहुरानी। ससमा खोली नहीं इसको। वो बात ये है शर्वरी, आगे से ये अगर तुम्हें हेल्प के लिए या अपनी मदद के लिए किसी के लिए भी बोलेगा तो उसको मना कर देना। पर क्यों? वो क्या है शर्वरी, ये सिर्फ बाहर के लोगों की मदद करता है। घर में वो बेचारी बहू, उसका मिक्सर 4 महीने से बंद है, अभी तक इसने ठीक नहीं करवा के लाया। श्रेया के पापा, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं सबकी मदद करूंगा। जब मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको सुधारने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए। जब भी ये बोलेगा कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ तो साफ मना कर देना। बहुत अच्छा किया कि आपने हमें यह बता दिया, आगे से हम इनके बिल्कुल मदद नहीं लेंगे। सॉरी शबरी जी, सॉरी पापा। ससुर जी बोलो। सुन भाई हो गया तेरा, कितनी देर, मुझे जाना था। बहुत अच्छा किया आपने जो इसको डांटा, इसको यही चाहिए। माँ साइड हट। ये देखो सुन भाई, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, आगे से वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना। ऐसा क्या करती हो, अब छोड़ भी दीजिए गुस्सा। ये देखिए मैं कितनी अच्छी तैयार होकर आई हूँ। ठीक है मत दिखे मुझे, क्या है ससुर जी? ए क्या ये तुम्हारा हर बात पे ससुर जी ससुर जी ससुर जी?
तो चुपचाप देखी है ना, इतना तैयार हो क्या हूँ मैं? ये तैयार होना है मेरे लिए, यही है तैयार होना। तुम कितना भी तैयार हो, आज मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ससुर जी, ए तू मुझे बार बार डराती हो। हंस रहे, देखे हंस रहे, हंस रहे, हंस नहीं रहा मैं, कर दिया मुझे माफ। ये कौन सा लॉजिक है तुम्हारा? यही मेरा लॉजिक है। अभी इतना तैयार हो गई हो तो डिनर डेट पे चले। आगो भाई नको। शर्मिला तुम ऐसा ही सारा मूड खराब कर देती हो। तो आज का खाना कल सुबह खाना आप। चलो खाना खाने।